अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अपना सेल्स टैक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कि जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होता है, और डी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, और ब्लैक लिस्टिंग में क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये हर उस बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या ट्रेडिंग कंसर्न हो या सर्विसेज देने वाले, सबको पता होना चाहिए। अदरवाइज छोटी सी भी प्रॉब्लम आपके लिए एक बहुत बड़ी छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो हम अगर देखें 6.1 में रजिस्ट्रेशन पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन से लोग हैं जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सो एवरी पर्सन इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान में सप्लाईज बना रहे हैं, चाहे वो जीरो रेटेड सप्लाईज हो और इसके अलावा कोई भी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा हो, उन सब पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन है एक्चुअली किन पे जरूरी है? अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जो कि हु इज नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन सब को, उन सब की लाइबिलिटी है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं इन अ सेल्स टैक्स। जब आप इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको NTN नंबर मिलते हैं, और जब आप सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको STN नंबर मिलता है, सेल्स टैक्स STRN भी बोलते हैं उसके, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। सेकेंड, अ रिटेलर हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो फर्स्ट वो मैन्युफैक्चरर थे लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा एक एक्सेप्शन है, और सेकंड ऑल रिटेलर्स हैं लेकिन उन रिटेलर्स के अलावा जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू सेल्स टैक्स पे करते हैं, ठीक है। देन इंपोर्टर हैं और एक्सपोर्टर हैं हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज जीरो रेटेड सप्लाईज। इसके अलावा होलसेलर हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो तमाम लोग हैं जो जिनको फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये 6 लोग हैं, ये 6 पार्टीज हैं जिनको हर वर्ष सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। नाउ पर्सन्स नॉट इंगेज इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान इफ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर मेकिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप पाकिस्तान में तो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहे हैं लेकिन लेकिन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कोई एक्ट बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, तो वो शख्स भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो जो रजिस्टर्ड पर्सन को बेनिफिट है वो फिर इनको नहीं मिलेंगे। अगर रिफंड है, अपील है, ऑडिट के केसेस हैं, वो फिर इनको नहीं मिलेंगे, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलते हैं। द रजिस्ट्रेशन शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द बोर्ड मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट प्रिस्क्राइब। तो रजिस्ट्रेशन की जो रेगुलेशन है वो बोर्ड डिसाइड करता है, फेडरल जो आपका इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बोर्ड है वो कोई नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें तमाम चीजें डिस्क्राइब होंगी। नाउ अब आ जाते हैं रूल 5 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर, कि जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगी तो वो किस तरह होगी। तो उसमें जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में बोलते हैं पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज अप्लाई ऑन द कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू ओनर, ऑथराइज मेंबर और पार्टनर और ऑथराइज डायरेक्टर एज अ केस मे बी इन द फॉर्म STR1। STR1 एक फॉर्म है जो कि आपको फिल आउट करना है। सच एप्लीकेशन शैल स्पेसिफाई द रीजनल टैक्स ऑफिस, तो वो एप्लीकेशन भी रीजनल टैक्स ऑफिस में लेके जाएंगे जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाह रहे हैं एज पर क्राइटेरिया बिलो। नाउ क्राइटेरिया है क्या? नंबर 1 क्राइटेरिया है अगर लिस्टेड या अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, सही है, आप वहां पे शो होंगे। सेकंड, इन केस ऑफ अदर कंपनीज, इसके अलावा कोई कंपनीज है तो अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कंसर्न है तो जहाँ पे आपकी फैक्ट्री लोकेटेड है वहाँ, और अगर आपका आपका काम इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग द प्लेस वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर एक्चुअली कैरिंग ऑन, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के अलावा है या प्रोसेसिंग के अलावा है तो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज जहाँ पे कैरी आउट होती हैं वो जगह। सी,
इन केस ऑफ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड द जुरिसडिक्शन वेयर द बिजनेस इज एक्चुअली कैरी ऑन, अगर बिजनेस आपके नॉट इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन आपके जो एक्चुअल बिजनेस जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे, और सेकंड में बोला गया आपका सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जिसके बिजनेस प्रीमिसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डिफरेंट एरियाज में हैं, तो द जुरिसडिक्शन वेयर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड, तो जहां पे लोकेटेड होंगी आपकी बिजनेस एक्टिविटी वहां पे जो रीजनल ऑफिस टैक्स ऑफिस होगा वो आपको असाइन कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे जाके अपने फॉर्म सबमिट करवाएं। उसके बाद वो बोलते हैं द जुरिसडिक्शन ऑफ लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट शैल रिमेन एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं वो उसके जुरिसडिक्शन क्या होगी वो बोर्ड डिसाइड करेगा। फर्दर द बोर्ड मे ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन टू अ जुरिसडिक्शन वेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। तो बोर्ड ये भी डिसाइड कर सकता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड पर्सन की वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी प्लेस में जहाँ पे आपके बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें वो खुद डिसाइड कर सकते हैं बोर्ड वाले, जहां पे अगर आप इन केस अगर आपका लार्ज टैक्स टैक्स पेयर यूनिट है। उसके बाद जो बात करते हैं वो बोलते हैं एप्लीकेंट को क्या क्या चीजें सबमिट कराना जरूरी है। सही है, तो एप्लीकेंट को सबसे पहले तो CNIC सबमिट करवाना जरूरी है, CNIC ऑफ ऑल ऑनर्स, इसके अलावा आपकी मेंबर्स पार्टनर्स और डायरेक्टर्स एज द केस में बी द रिप्रेजेंटेटिव इफ एनी एंड इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स देयर पासपोर्ट्स। तो जितने भी आपके ओनर्स हैं उन सबके CNIC जाएंगे, मेंबर्स के जाएंगे, पार्टनर्स के जाएंगे, डायरेक्टर्स के जाएंगे, अगर आप पार्टनरशिप है तो जाहिर एसोसिएशन पर्सन है तो आपके पार्टनर्स के जाएंगे, इंडिविजुअल्स है तो ओनर्स के जाएंगे, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स मतलब शेयर जो आपके शेयर होल्डर्स इनिशियली थे उनके जाएंगे, तो केस पे डिपेंड करता है। अगर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट वो है जो कि बेशक पाकिस्तान की नेशनलिटी हो, तो अगर वो मोर देन एक स्पेसिफाइड डेज है, मोर देन 183 डेज अगर पाकिस्तान से बाहर रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, तो उनके पासपोर्ट जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अ कंपनी और रजिस्टर्ड एसोसिएशन पर्सन द रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट along form 3 or form A as prescribed in a company's ordinance. अगर कंपनी है या रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो जब उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको मिलते हैं लेटर ऑफ कमिसमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसको Form 3 और Form A के साथ आपको सबमिट करवाना है जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट के हिसाब से आपने कभी आपके पास होगा। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की डीड सबमिट करवानी है, अवेलेबल है, तो बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशू बाय द बैंक इन द नेम ऑफ द बिजनेस, आपके जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, बिजनेस के नाम का जो बैंक अकाउंट है वो आपको वहां से सर्टिफिकेट लेके सबमिट करवाना है। इसके अलावा अगर आपका लीज या रेंट एग्रीमेंट है, अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो प्रीमिसेस अगर आपकी रेंट पे है तो वो एग्रीमेंट विद द CNIC ऑफ द ओनर, तो वहां के ओनर का CNIC भी आपको सबमिट करवाना है। द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रीमिसेस, अगर प्रीमिसेस आपकी अपनी है तो उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स सच एज रजिस्टर्ड सेल डीड और रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड, इनमें से कोई भी आपको सबमिट करवानी है जो भी अवेलेबल है। अगर हम नीचे आके देखें तो लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन फोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन्स एज द केस में भी, तो ये तो आपको सबमिट करवाने हैं, बाकी आपसे और भी किसी किस्म के बिल मांग सकता है VR। इसके अलावा लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर मैन्युफैक्चर है तो जाहिर आपके पास प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी होती है तो उसकी लिस्ट भी आप सबमिट करवाएंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल शोइंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हैं तो जिससे आपकी जिस कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ द बिजनेस, देन पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस एट वेरियस लोकेशंस, एंड पार्टिकुलर ऑफ ऑल फ्रेंचाइज होल्डर इन केस ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेंचाइज इफ एप्लीकेबल। तो तमाम ब्रांचेस का डेटा देना है, तमाम फ्रेंचाइज का डेटा देना है, ये तमाम चीजें देंगी तो आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट होगी आपके पास। अब क्या करेंगे, द एप्लीकेंट बीइंग द ओनर ऑथराइज्ड मेंबर और पार्टनर ऑथराइज्ड डायरेक्टर इन द केस में बी शैल विजिट द कंसर्न रीजनल टैक्स ऑफिस फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो
तो या तो खुद जाएंगे, किसी ऑथराइज मेंबर को भेजेंगे, ऑथराइज डायरेक्टर को भेजेंगे या पार्टनर को भेजेंगे रीजन टैक्स ऑफिस में बायोमेट्रिक करवाने के लिए, जहां पे वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस हैं तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है एंटरटेन नहीं करेगा आपकी एप्लीकेशन को। और अगर वी एन एप्लीकेंट हैज अनसोल्ड और अनयूज्ड स्टॉक ऑफ टैक्स पेड इनपुट ऑन व्हिच ही डिजायर टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट, ही शैल डिक्लेयर सच स्टॉक इन अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म सेट आउट एज STR-4 टू बी अपेंडेड विद हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपके कुछ इनपुट टैक्सेस हैं जो कि आपके अभी अनसोल्ड अनयूज्ड है और आप अगर उसकी बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हैं सेक्शन 59 के हिसाब से, तो आपको उसको डिक्लेयर करना जरूरी है STR-4 फॉर्म के अंदर अपनी एप्लीकेशन में। अदरवाइज आपको रजिस्टर्ड होने के बाद उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने डिक्लेयर नहीं करे। नाउ द एप्लीकेशन शैल बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम एंड इफ फाउंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शैल बी असाइन अ रिस्क स्कोर। तो जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और कंप्यूटराइज सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, रन कर देगा, एक रिस्क स्कोर वो आपको असाइन करेगा। इन केस द एप्लीकेशन इज फाउंड लो रिस्क रजिस्ट्रेशन शैल बी इशू बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो वो रिस्क स्कोर बताएगा कि अगर वो रिस्क स्कोर कम है तो आपको आपको कंप्यूटर सिस्टम एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा और सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाएगा कुरियर सर्विस के थ्रू। जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनकी फर्दर इंक्वायरी की जाती है और स्क्रूटनी करी जाती है बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डेजिग्नेटेड इन द रीजन टैक्स ऑफिस फॉर द पर्पस। तो इन शॉर्ट, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो कंप्यूटराइज सिस्टम आपको एक या तो लो रिस्क में देगा या हाई रिस्क में देगा। लो रिस्क में देगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट आप थ्रू कुरियर ऑफिस आपके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाएगा बिजनेस के। और अगर हाई रिस्क होगा तो आपका जो केस है वो फर्दर स्क्रूटनी में जाएगा, जो कि कमीशन एंड रेवेन्यू करेंगे, जो कि रीजनल टैक्स ऑफिस में जो बैठे हुए होंगे जहाँ पे आपका केस गया होगा, वो फिर उसकी स्क्रूटनी करके डिसाइड करेंगे क्या करना है। नाउ द प्रोसेस लीडिंग टू डिटरमिनेशन ऑफ रिस्क स्कोर शैल बी कंप्लीटेड विद इन ऑन वर्किंग डे वन सबमिशन 01 कंप्लीट एप्लीकेशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। Where is the scrutiny, including physical verification of premises, to be carried out by an officer not below the rank of assistant commissioner? In high-risk cases, shall be completed within 3 working days in case of manufacturing, within 7 days in case of non-manufacturer. तो आपका अगर हाई रिस्क केस आ गया तो वो आपको फर्स्ट वर्किंग डे में, आपने उसको जब सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद जब उसकी फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर स्क्रूटनी के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन होगी प्रेमिसेस की, कि वहाँ पे ऑफिसर्स जाके चेक करेंगे। लेकिन ऑफिसर जो जाके चेक करेगा उसका रैंक असिस्टेंट कमिश्नर से कम नहीं होना चाहिए। और हाई रिस्क केसेस अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंपनी है तो 3 दिन के अंदर, और अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है उसकी, अगर सर्विसेज है, तो फिर 7 डेज के अंदर अंदर इंस्पेक्शन कंप्लीट होना जरूरी है। नाउ अगर वी आर अ पर्सन हु हैज फर्निश अ फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट देन ऑन नोटिस अ सबसिक्वेंट चेंज इन एनी इंफॉर्मेशन पार्टिकल एंड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डेटा ऑलरेडी फर्निश्ड, ही मे विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम अंडर एनी प्रोविजन फर्निश अ रिवाइज फॉर्म ऑफ फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गई है या नहीं हुई है, आपने फॉर्म सबमिट करवा दिया और आपको बाद में पता चला है कि इसमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट आपने कर दी है या इसमें कोई ओमिशन हो गई है, कोई चेंजेस हुई थी वो आप नहीं कर सके, तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि आप अपने तरफ से बोनाफाइड इंटरेस्ट पे आप एक रिवाइज फॉर्म सबमिट करवाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। In case the person applying for registration as manufacturer is sharing the premises, he shall provide evidence of demarcation of manufacturing premises for registration and installation of submeter by the relevant utility company. In case he does not have independent industrial utility connection but is using electricity or gas through submeter. तो इसमें आप डिमार्केशन मतलब आप एक लिमिट बता देंगे, हद बता देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी टोटल लिमिट, उसकी बाउंड्री कितनी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस कहाँ लाए कर रहे हैं उसकी टोटल बाउंड्री कितनी है, अगर उसके साथ साथ अगर आपका रेसिडेंशियल जगह भी है। और इसके अलावा आप बताएंगे कि आपने एक सब मीटर भी इंस्टॉल करा हुआ है, ठीक है,
और उसके एविडेंस भी देंगे, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो एक कमर्शियल मीटर अलग होता है, रेजिडेंशियल अलग होता है, लेकिन अगर कमर्शियल नहीं लगा हुआ तो आप एक सब मीटर लगवाएंगे और बताएंगे कि ये जो, क्योंकि आपके पास एक इंडस्ट्रियल यूटिलिटी कनेक्शन नहीं है, कमर्शियल कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है सब मीटर के थ्रू ले रहे हैं, जिससे अलग से पता चल जाए कि आप इतना आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलिटी चार्जेस शो हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन, कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या सबमिट करवाना है, फिर लो रिस्क स्कोर क्या होगा, हाई रिस्क स्कोर क्या होगा, अगर हाई रिस्क स्कोर होगा तो कितने दिन में इंस्पेक्शन होगी, तमाम चीजें आपको इसमें बता दी गई हैं। नाउ अगर हम बात करें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में वेयर पर्सन फाइल एप्लीकेशन फॉर सेल्स एक्स रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर विदाउट हैविंग इंस्टॉल मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड बाय हिम, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड अलॉन्ग विद अ बिल ऑफ लेडिंग और गुड्स डिक्लेरेशन इन लियू ऑफ रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब इन क्लॉज एच ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 5। अगर कोई पर्सन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है एज अ मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसके पास कोई मशीनरी स्टॉल नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लेकिन वो मशीनरी स्टॉल नहीं है, और उसका पर्पस क्या है, जो मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहा है जो कि वो स्टॉल करेगा, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन उसको दे दी जाती है एज अ मैन्युफैक्चरर फॉर 60 डेज। और फिर उसके साथ साथ उसको जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, बिल ऑफ लेडिंग और गुड्स डिक्लेरेशन इन लियू ऑफ रिक्वायरमेंट इन क्लॉज एच ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 5, मतलब अगर आप ऊपर यहाँ पे एच पे जाएं तो लिस्ट ऑफ मशीनरी स्टॉल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर है, तो ये आपको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेम्पररी 60 डेज की रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। तो इसमें फायदे होते हैं, जो इम्पोर्ट करवा रहे होते हैं तो उनको जो ड्यूटी और सेल्स टैक्स देना होता है वो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन दे सकते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसलिए लोग रजिस्ट्रेशन पहले से करवाना चाहते हैं। नाउ द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशू बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम विद इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द कम्प्लीट एप्लीकेशन, कितने दिन में मिलते हैं, 72 आवर्स में। नाउ आफ्टर रिसीविंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन द पर्सन शैल बी अलाउड टू इम्पोर्ट प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल एज अ मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट टू सबमिशन टू द कस्टम अथॉरिटीज ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक इक्वल टू द डिफरेंस इन ड्यूटीज एंड टैक्स टू बी अवेल एज अ मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे वो जो टेम्पररी, जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो इम्पोर्ट करवा सकते हैं मशीनरी एंड रॉ मटेरियल एंड प्लांट एज वेल एज अ मैन्युफैक्चरर, हालांकि अभी मैन्युफैक्चरर है नहीं, वो काम करना शुरू करेगा एज अ मैन्युफैक्चरर। सब्जेक्ट उसको क्या सबमिट करवाना पड़ेगा, कस्टम अथॉरिटीज को पोस्ट डेटेड चेक्स, मतलब जब डिलीवर हो जाएगा उसके बाद जो ड्यूटीज होंगी उसका चेक वो करेगा, इक्वल टू द डिफरेंस इन ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू बी अवेल एज अ मैन्युफैक्चरर, वो इक्वल होगा एज अ मैन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर नहीं मंगा रहे और एज अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन मंगा रहे, तो आपका जो जो ड्यूटी होगी वो डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी। एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड पर्सन आप करा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी कम होगी, तो जो ड्यूटीज हैं उसके चेक आप ऑलरेडी इन एडवांस सबमिट करवा देंगे। नाउ इन केस द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब इन क्लॉज एच ऑफ सब रूल 1A एंड सब रूल 1C ऑफ रूल आर नॉट फुलफिल विद इन 60 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ द टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन शट टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन विल बी डिसेबल एंड द पोस्ट डेटेड चेक सबमिटेड शैल बी इनकैश्ड। अगर आपने 60 डेज के अंदर फुलफिल नहीं करा अपना एच क्लॉज और उसका सब क्लॉज 1A एंड 1B, तो फिर आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डिसेबल हो जाएगी, लेकिन आपके जो आपने जो चेक दिया था वो इन कैश हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो कस्टम के पास चला जाएगा। अ पर्सन होल्डिंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शेल फाइल मंथली रिटर्न इन द फॉर्म STR7 बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स इनवॉइस एंड सच इनवॉइस इज इशूज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी एडमिसिबल अगेंस्ट सच इनवॉइस। तो जिनकी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, हम इससे पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट होता है वो मंथली होता है नॉर्मली, तो आप ये भी जो आपकी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है इनको भी मंथली रिटर्न फुलफिल करना पड़ेगा एज अ फॉर्म STR7 पे, लेकिन वो कोई सेल्स टैक्स इनवॉइस उनको वो इशू नहीं होगी, और अगर इनवॉइस इशू हो गई तो उसमें नो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट उनकी एडमिसिबल डिडक्शन हो सकेगी अगेंस्ट सच इनवॉइस।
नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड टू द पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स मे बी कैरी फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न्स फॉर सबसिक्यूट टैक्स पीरियड्स. तो कोई भी सेल्स टैक्स रिफंड उनको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के दौर में नहीं मिलेगा, तो जितना भी उनका इनपुट टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे वाले टैक्स पीरियड्स के लिए जब उनकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. तो ये हमारी दो चीजें थी, सबसे पहले एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एक आपकी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे हमारी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की और चेंजेस पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन की. थैंक यू सो मच.